के पास गई। हे महाराज, बहुत बढ़िया चीज देख के आई कि दो नैना के तीर चले थे, एक निशाना खाली कोन्या, यहां तक आगे मरते पड़ते सोदी तक संभाली कोन्या। हे महाराज, राजा मृत भूप का एक लड़की जिसका नाम मीरा और आपके लायक है। महाराणा नुकन लगे, अरे बेवकूफो, उसका के बेरावा ब्याह राखी है कुकर से। के महाराज, कोने ब्याह राखी के बात कहूंगा गणे अरस की, आसरागरी प्रेम दरस की, राजा मृत का लड़की 20 बरस की जो ब्याई सगाई गाली कोन्या, यहां तक आगे मरते पड़ते सोती तक संभाली कोन्या। जब उस मीरा के रूप का, उसके सौंदर्य का जब वर्णन सुना तो महाराणा ने एक चिट्ठी लिख दी उस राजा मृत भूप के नाम, एक धमकी भरी चिट्ठी। देखियो सजनों, ठाडा मानस रिश्तेदार भी ठाड तो जोड़ना चाह कर एक चिट्ठी लिखता है महाराणा। कैसे, क्या बताए, बाप के यो ते कुल के दाना ओगा और मात पिता सर बाहर चढ़े फिरी ठकाना होगा। मेरा बाप है ठकाना होगा, और बात पता सर भार करे ठकाना होगा। मेरा बाप है ठकाना होगा, बात पता सर भार करे ठिकाना होगा। वो शानी बेटी घरा राखरिया, वो शान बेटी घरा राखरिया, यो ध्यान कड़े फिर रास है फिर गढ़ा पाप का फूट गायो, कान्या तक भर रास है वो बांध भरोटा पाप रूप का, तू सर पे धर रास है सर पर टोके प्या देनी थी, तू चिंता भर रास है पंचात जुड़े पूरा तू शर्माना हो। हरा बाप का तलाना होगा, बात पता हर मार ठिकाना होगा। हे जिमन सुमर लिए जगदी राम लीलू राम सतगुरु मिले रहूं चरण निवा कैसी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोल बाबा जमुनानाथ महाराज की। ए भाई, आप सभी की फरमाशी रागनी के जिसमें मालदे और जमल आपस में वार्तालाप करते, जमल ने कहा कि चाचा वो समझौता कर ले
आपसे बैर विवाद बढ़िया नहीं भाई, के रोला कर दिया रहे हो। अच्छा बाबे दक्षिणा ले नू लिया करो फिर बाबे। वो जमल कहता के चाचा वो समझौता कर लिया, आपसी बैर विवाद बढ़िया नहीं है। क्यों ले बस समझौता जब करूं इस साड़ी आड़ी की बहन मेरा आव मालते को वहीं छोड़ देता है और शिष्पदनी के सामने कहता है पंचायतन करवा लिया समझौता कि महाराज क्या बात हुई क्यों साड़ी न देख के न्यू कह इसकी बहन मेरा आव जब समझौता करूं। हे महाराज मैं करती हूं बात। वह शिष्पदनी मालते के सामने क्या अर्ज करती है क्या बता। समझौता कर ले मैं बिहार सगाई सोला दू तके जिसी बहन मेरा छोटी से ऐसी लुगाई सोलिया तू समझौता कर ले सोलिया तू किसी बहार मेरा छोटी से सोलिया तू समझौता कर ले सकाई सोलिया तू हाथ पकड़ लिया मालते का के पितसरे ओ चाचा आड़े बैठ जा ओड़ा चालिए अगर तेरी इज्जत ना हो तो मुझे कह पहली कली में क्या कहती हूँ। ज्यादा फैल कर राजी हो कह जीम रसोई हिम्मत न्या दल पे मैल कर हथेली ऊपर तू कवो टता सारा कुण पा पहल कर एक दिन ईसा आवेगा तू गठबंदी की सैल कर क्या कहूं परे राड़ चकाई मत इसी चढ़ाई सोया समझौता कर ले राड़ चकाई सोया तू किसी भार मेरे छोटी से मंजीत फौजी देव सर जो लाइव देख रहे हैं फौजी साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद दिया जाता है। भाई काला शर्मा जी ये भी 100 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद दिया जाता है। मेरे बड़े भाई सुशील पांचाल जी ये भी 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। एन के स्टूडियो जो आज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बापोड़ा स्टूडियो एन के स्टूडियो असली हरियाणा VPR स्टूडियो एक आधा और रह गया कोई जितने भी स्टूडियो सारा का धन्यवाद।
ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। फौजी साहब संजय लोंगा जी ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई एक फौजी साहब हमारे टोडा ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाए धन्यवाद। मेरे भाई नरेश शर्मा जी एनके स्टूडियो भाई ने 50 रुपये से और मान सम्मान दिया। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी बात में क्या धमकी देता है बहुत ही आदरणीय सुशील पांचाल जी 100 रुपये से मान सम्मान। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। क्या धमकी थी दूसरी बात में माँ के गर्भ से जन्म लिया। ओ माँ के गर्भ से जन्म लिया या खुद भगवान से। ओ समय पे वाते कुकर्म रस दे यो दिल बेईमान से। और साधु मोटे करा पड़े रे कुछ भी ध्यान नहीं से। और धर्मराज के जगत चाहिए धर्मराज के जगत पूरा सब ने जाना हो। भाई भाई काला 100 रुपये से और मान सम्मान दिया। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बहुत याद नहीं हमारे अंकल जी रामफल शर्मा दिनौद निवासी 100 रुपये से ये भी आशीर्वाद देते। बार बार धन्यवाद दिया जाता। मेरे अंकल जी महावीर शर्मा जी 100 रुपये से ये भी आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता। कमेटी नलर जी वार्ता था दूसरी कली में कैसे क्या कहा। तक जो संसारे भरिया संसेगा बात बात में सत्ता से तक मेरी बहन का रूप ईसा जनू घना चीकना लट्ठा से यत जात की बेटी जात मचा की इसम कोई सा पट्टा से है इसी सती चाहे सो करवाले इसी के हासी ठट्ठा से ऊपर मिठाई अंकल जी महावीर जी 200 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। शिव कुमार दिनौद से शर्मा जी ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। वीर सिंह भाई घोड़ियाले मेरे परम मित्र ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। 100 रुपये किसके रह गए काड़ा के प्रधान के रहे? भाई मुक्की तवर
लंबरदार साहब ये भी 100 रुपये सम्मान सम्मान करते हैं। रणबीर राकेश की ढाल को नहीं मांगू मैं तेरे पर, मेयर होगी तो आप पे देगी जगह भाई। मेरे आदरणीय नरेंद्र भाई दिनौत से ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं और 20 रुपये इस भाई ने दी, इसका भी धन्यवाद धन्यवाद। ऋषि मुनि भी ऋषि मुनि भी चले गए दर कवि से और काम ते ओ जी चावेंगे उसने खोजे घर ते और काम ते ओ सब रजपुती कापे से मेरे उते पुरी नाम ते इस लड़की ने ब्याह दे मेरे और के मिले नाम ते और ब्राह्मण भेजा चिट्ठी देके ब्राह्मण भेजा चिट्ठी देके तू नू सुन जाना ओ मेरा बाप ने पुत्र लाना होगा मात पिता दरबार करे बड़े ठिकाना होगा। मेरे भाई और कमेटी के प्रधान भाई विनोद शर्मा जी 100 रुपये से मान सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद। मेरे बड़े भाई भाई सुंदा 100 रुपये से भाई ने मान सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे कहे ओ मेरे कहे ते मानगा ओ मेरे कहे ते मानगा जो खटका कौन करया तुमने वो ये तेरे चरण में पड़ी रहेगी बेशक तार दिए दमन जो तस्याना मान से चीज अनुठी देते साय पनी कमने पूरा यथी चली अर घोड़ा मोर से देते हमने पूरा हाथी चली अर घोड़ा मोर से देते हमने जिस ते तेरा रोग कटे जिस ते तेरा रोग कटे मैं तो इसी दवाई सोया दूँ परमादरणीय महाशय रणबीर बड़वासनी जी महाशय जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। मेरे परमादरणीय बड़े भाई राकेश कलोजा ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है धन्यवाद। संजय पांचाल हाँ दोनों भाइयों को 200-200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई संजय पांचाल सुशील पांचाल बहुत ही नाम पहले 200 रुपये से और आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। विनोद प्रधान जी दादा लक्ष्मी चंद समिति ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। बहुत ही नाम पहले संजय लोंगा जी शर्मा साहब ये भी 100 रुपये से और आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। देखना ये होती है संस्कृति और ये होती है संस्कृति से प्रेम। सियाचिन से मेरे भाई मंजीत फौजी देवसर
लाइव देख रहे हैं 200 रुपए से मान सम्मान और करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता। धन्यवाद भाई काला शर्मा जी, दादा लक्ष्मीचंद समिति का सिपाही रंगीला मानस, ये भी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। सजनों, ये बड़े बुढ़िया की कहावत है कि ठाडा मारर फिर रोन भी ना दे। वो महाराणा इतना ताकतवर था, उसकी फौज रसाले इतने बड़े थे, राजा मृत भोप कुछ नहीं था उसके सामने, वही ताकत दिखाई। आखिरी बात में साफ साफ धमकी दे दी कि कह तो मान जिए फिर नू करूंगा तेरी गैद। क्या श्री लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद जो लख्या कलम से मैं, लक्ष्मी चंद जो लख्या कलम से मैं उसने पास करूंगा, ओ कन्यादान कर राज्य तें मैं पूर्ण आस करूंगा, ओ ना मान्यते गढ़ तोड़न का ढंग तलाश करूंगा, विनोद प्रधान जी तेरा तो दूर तडर लागे भाई, बाकी जोर ला रखे गे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, 100 रुपए से मान सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बचपन के साथी भाई अनिल जांगड़ा जी, ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, ठीक है प्रधान जी। आखिर में वाशिष पत्नी ने बोली के चाचा मेरे से बात करनी थी फेस टू फेस, जो कार्य मैं कर सकती हूँ उसके बस की बात नहीं। चौथी कली में क्या कहते हैं, मेरे यग है क्यों ना कहती वो तो सादा मानस टोक दिया, उसने तो इसी मुश्किल हो रही जो शेर पिंजरे रोक दिया। गुरु लक्ष्मी चंद ने ज्ञान मारे मां संगी बचनी फिर गावती कविताई सो कर।